Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to another video. I hope you guys are having a good time there. Right, today we're going to talk about other ways to say I'm happy. जब आप ज़्यादा खुश होते हैं या खुश होते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड आप लोगों को या मोस्टली लोगों को पता होता है happy. But English ज़ुबान में happy के अलावा और भी बहुत सारे word alternative adjectives जिनको हम use करके अपनी खुशी का इज़हार कर सकते हैं. So उनको पढ़ते हैं, ठीक है? Overjoyed and thrilled. Overjoyed and thrilled का भी मतलब होता है खुश होना, लेकिन ये कौन सा खुश होना है? जब आप जज्बाती तौर पे खुश हो ना, साल के तौर पर आपके अंदर ऐसा जज्बा हो जिससे आपको खुशी मिल रही हो, उसको हम कहते हैं overjoyed and thrilled. Thrilled होता है मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई खुशखबरी मिले ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूके में हूँ तो मुझे अचानक मुझे खुशखबरी मिले कि आपका टिकट निकल आया है उमरे का, तो आई वुड बी थ्रिल्ड. या फिर मैं पाकिस्तान छुट्टियों पर जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई वाज थ्रिल्ड. Overjoyed भी इसी में आता है. जॉली एंड जोवियल. जॉली और जोवियल वो खुश इंसान उसको इंसान को बोलते हैं, उस खुशी को बोलते हैं जो इंसान को होती है जब इंसान जिंदा दिल हो और खुश हो. मिसाल के तौर पर कहते हैं दिस पर्सन इज जॉली, मतलब कि उसकी बातें उसके मजाक ऐसे हैं कि वो ना उससे पता लगता है कि ये जिंदा दिल इंसान है, ये खुश है. ब्लिसफुल एंड जॉयफुल. ब्लिसफुल एंड जॉयफुल वो खुशी होती है वो यानी कि जिसके अंदर बंदे को ना एक खुशगवार सा एहसास होता है ना, पूरे मसरत बंदा होता है उसको हम कहते हैं कि इट्स ब्लिसफुल, इट्स जॉयफुल, मतलब कि ये खुशगवार चीज़ है, कुछ भी हो सकता है. चीयरफुल. चीयरफुल इसका मतलब है खुश मिजाज. जब आप किसी बंदे को देखें ना, ये मोस्टली बंदों के लिए यूज़ होता है, दिस गाय इज़ चीयरफुल. मतलब मिसाल के तौर पर यानी कि इस बंदे के मुँह पर हमेशा स्माइल रहती है, ये हंसमुख है, तो ये खुश मिजाज है. इसको देख के मिजाज अच्छा बंदे को फील होता है, ठीक है? ग्लैड एंड डिलाइटेड. ये दोनों भी हैप्पी के अल्टरनेटिव हैं, सब्स्टिट्यूट हैं. इनका मतलब ये होता है कि खुश या फिर मसरूर. मसरूर थोड़ी सी कह लें कि आप डिफ़िकल्ट उर्दू है, लेकिन उर्दू आसान उर्दू में इसको खुश कहते हैं. जुबिलेंट एंड एक्सटैटिक. जुबिलेंट एक्सटैटिक उसको बोलते हैं जब बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो ना किसी खुशी की वजह से. लाइक अगर आप कह लें कि फुटबॉल के ग्राउंड में जो खिलाड़ियों के फ़ैन्स होते हैं, या फिर आप कह लें कि पॉलिटिकली प्रेसिडेंट्स वगैरह के जो फ़ैन होते हैं ना, तो उनकी जो खुशी होती है ना अपने आइडियल्स को देख के, तो उसके लिए हम कहेंगे द फैंस वर जुबिलेंट, ठीक है? ये वो खुशी होती है. एक्सटैटिक भी आपको कह लें कि जो बंदा बदमस्त अपना सॉरी सरमस्त खुश हो ना, यानी कि जो खुशी की हालत में मगन हो, इतना खुश हो, उसके लिए हम कहते हैं ही इज़ एक्सटैटिक. प्लीज्ड. प्लीज्ड होता है फ़ख्रिया तौर पर खुश होना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे बेटे ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, देन आई वुड से आई एम वेरी प्लीज्ड टू नो दैट माय सन हैज़ गॉट अ पोजीशन इन अ क्लास. बंदा खुश होता है लेकिन साथ में फ़ख्र भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव अपबीट. अपबीट भी अपबीट या इलेटेड, इन दोनों का मतलब होता है खुशी से भरपूर या खुशी से भरा हुआ. कोई भी चीज़ हो ना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो, खुशी से भरी हुई हो चीज़ हो, उसके लिए कहेंगे अपबीट एंड इलेटेड. द नेक्स्ट वी हैव कुछ idioms हैं वो पढ़ लेते हैं. idioms एंड phrases. walking या फिर floating. walking चलने को कहते हैं, floating तैरने को कहते हैं. walking floating on air या फिर clouds. air हवा, clouds बादल. इनका मतलब होता है कि इंतहाई खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश. idiom होता है जब आप ज़्यादा खुश ना, कहते हैं after listening to this news I am walking on air या फिर I'm floating on clouds, ठीक हो गया. on cloud 9, in seventh heaven, over the moon, फिर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये सारे के सारे idiom एंड phrases हैं. इन सब का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा खुशी की जो हालत होती है इंसान को, जब इंसान को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है ना, उस वक्त वो जब एक्साइटेड होता है, खुशी की हालत में होता है, उस वक्त ये idioms या phrases हम यूज़ करते हैं. ऑन क्लाउड 9, इन सेवन्थ हेवन. ऑन क्लाउड 9 ये बादलों को कहते हैं. इन सेवन्थ हेवन ये कोई इसका मतलब लिया जाए तो कहेंगे यार सातवीं जन्नत में. ओवर द मून यानी कि चंद पर, पंजाबी जबान में चंद के ऊपर. ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से. तो इनको आगे हम इस्तेमाल करेंगे जुमलों में. इसका मतलब अभी आपको समझाना था फिलहाल. चफ्ड एंड स्टोक्ड ये दोनों स्लैंग वर्ड हैं, यूज़ होते हैं खुशी के लिए. कोई खुश इंसान उसके लिए कहते हैं कि ही इज़ चफ्ड या फिर ही इज़ स्टोक्ड. अदर वेज टू से हैप्पी, आप उसके कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं जो हमने पहले एडजेक्टिव पढ़े, उनको सेंटेंसेस जुमलों में लेके आते हैं. आई एम सो ग्लैड और डिलाइटेड दैट यू केम ओवर फॉर डिनर. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ या मसरूर हूँ कि तुम खाने पर आए रात के. आई वॉज थ्रिल्ड और ओवरजॉयड विद आईफोन गिफ्ट ऑन माई बर्थडे. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था जज्बाती तौर पर
जज्बात होते हैं ना जब आपको कोई खुशी मिले। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मुझे मेरी बर्थडे के ऊपर आईफोन गिफ्ट किया गया। ओह माय गॉड, इट इज़ अ ब्लिसफुल और जॉयफुल टाइम ऑफ द ईयर। ईद जो होता है ना वो साल का बहुत ही ज़्यादा खुशगवार या नहायत ही खुशी से भरपूर इवेंट होता है या टाइम होता है। ईद के अलावा आप अपने अकॉर्डिंग टू योर कंट्री फेस्टिवल जो भी आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। द फैंस वर जुबिलेंट और एक्सटेटिक दैट देयर टीम हैज़ वॉन द मैच। जो फैन थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे कि उनकी टीम ने मैच जीत लिया है। माई ब्रदर इज़ जोवियल और जॉली मैन, ही इज़ ऑलवेज लाफिंग एंड जोकिंग। मेरा भाई यानी कि बहुत ही जिंदा दिल और खुश इंसान है कि वो हर वक्त मजाक और जोक करता रहता है, ठीक है। वो हर वक्त हंसता और मजाक करता रहता है। आवर टीचर इज़ वेरी अपबीट एंड चीयरफुल पर्सन। हमारा जो उस्ताद हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा मसरूर और खुश मिजाज इंसान हैं। आई वॉज सो प्लीज्ड और इलेटेड टू पास माई ड्राइविंग टेस्ट। मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करके बहुत ही ज़्यादा खुश था। इलेटेड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई अचीवमेंट करें, प्लीज उस वक्त होता है जब आप फ़ख्र करें। आई वॉज, अब ये एडियम चार पढ़ लेते हैं। आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन, आई वॉज वॉकिंग ऑन एयर, आई वॉज ओवर द मून, या फिर आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इन सब का मतलब यही है कि मैं नहायत ही खुशी की हालत में था या मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। व्हेन आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट, जब मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऑन क्लाउड नाइन यानी कि कह लें कि नौवें बादल में था। ये एक इडियम ऐसे बना, गोरों ने ऐसे ही बनाया, इंग्लिश लोगों ने। वॉकिंग ऑन एयर या फिर फ्लोटिंग ऑन एयर, इसका मतलब यही है कि मैं बादलों में उड़ रहा था या मैं हवा में तैर रहा था या मैं हवा में चल रहा था। ओवर द मून यानी कि मैं इतनी खुशी का आलम था, मैं अपने आप को मैंने चांद के ऊपर महसूस किया है। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब आज मैं यानी कि बहुत ऊपर हूँ, आला लेवल नहीं जो था खुशी का, मैं इसके ऊपर हूँ। राइट, ये कुछ वर्ड्स से आई मीन जुमले तो जब हम यूज़ कर सकते हैं आपको आइडिया देने के लिए कि जो अदवे से हैप्पी के लिए जो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेसन दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो एंड वॉच्ड। इंशाल्लाह ताला एक नए लेसन के साथ फिर हाथ लड़ूंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।